कि दिन भर माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और खुद लोकतंत्र की हत्या करने पर पड़े हुए हैं। बताइए ना, कल एक चिट्ठी निकला है माननीय मुख्य सचिव द्वारा, बताइए ये क्या है, चिट्ठी में क्या है? जो शिक्षक नियमावली का विरोध करेंगे उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे, तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आजकल 19 में हिंदुस्तान में साफ लिखा हुआ है कि हमें अभिव्यक्ति का आज़ादी है। आप समझिए, इनको नौकरी देना नहीं है। स्टेट के विद्यार्थियों को आप लंबे समय से फंसा कर रखे हुए हैं, सीटेट बीटेट और भी जो एंट्रेंस पास किए उनको आप पहले बोले कि नौकरी देंगे, अब जब उनको नौकरी देने की बारी आई तो आप उनको नौकरी देने के बजाय झांसे में रख रहे हैं, फिर कर रहे हैं एग्जाम दीजिए। ये क्या मतलब है? कौन सवाल, कौन मना किया था कि आपको सवाल मत पूछिए, स्टेट में सीटेट में सवाल मत पूछिए, फलाना सवाल? आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नई नियमावली आने के बाद बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित है, तो वहीं अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि यह जिस तरीके से बिहार सरकार ने नई नियमावली लाई है बिल्कुल अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। तो वहीं कुछ अभ्यर्थी कोर्ट में केस कर रहे हैं, तो वहीं बहाली को लेकर यह साफ अभ्यर्थियों का कहना है कि 4 साल इंतजार करने के बाद नई नियमावली ठीक नहीं है, तो वहीं परीक्षा ना ली जाए, परीक्षा ना लेने की कहीं ना कहीं जिक्र कर रहे अभ्यर्थी। तो वहीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे शिक्षक बहाली को लेकर। हमारे साथ बात करने के लिए जगजीवन कुमार है, बीजेपी MLC है। सर, लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, नई नियमावली का विरोध कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात बताना चाहते हैं कि दिन भर माननीय मुख्यमंत्री जी लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और खुद लोकतंत्र की हत्या करने पर पड़े हुए हैं। संविधान की दुहाई देते हैं महागठबंधन के जो लोग हैं और खुद संविधान की हत्या करने पर लगे हुए हैं। आप बताइए ना, कल एक चिट्ठी निकला है माननीय मुख्य सचिव द्वारा, बताइए ये क्या है, चिट्ठी में क्या है? जो शिक्षक नियमावली का विरोध करेंगे उनको हम गिरफ्तार करेंगे, उन पर हम कार्रवाई करेंगे, तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? आर्टिकल 19 में हिंदुस्तान में साफ लिखा हुआ है कि हमें अभिव्यक्ति का आज़ादी है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को आप रोक नहीं सकते हैं, आप हमारे फंडामेंटल राइट्स पर हमला कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये पूरी तरह से लोकतंत्र और संविधान का हनन करना, संविधान पर हमला कर रहे हैं, संविधान के मूल चीज़ों को आप बर्बाद करने पर पड़े हुए हैं, ये नहीं है। आप समझिए, इनको नौकरी देना नहीं है। स्टेट के विद्यार्थियों को आप लंबे समय से फंसा कर रखे हुए हैं, सीटेट बीटेट और भी जो एंट्रेंस पास किए उनको आप पहले बोले कि नौकरी देंगे, अब जब उनको नौकरी देने की बारी आई तो आप उनको नौकरी देने के बजाय झांसे में रख रहे हैं, फिर कर रहे हैं एग्जाम दीजिए। ये क्या मतलब है? कौन सवाल, कौन मना किया था कि आपको सवाल मत पूछिए, स्टेट में सीटेट में सवाल मत पूछिए, फलाना सवाल? कौन मना किया था आपको, कोई मना किया था क्या? अब जब उनको नौकरी देने की बारी आई तो कह रहे हैं कि ये नियम से आइए, वो नियम से आइए, ये नियम से आइए, ये क्या मतलब भाई साहब? आप समझिए बात को, 3.5 लाख पहले कहा हम रिक्ति निकालेंगे, नौकरी देंगे, उसके बाद 3.25 लाख, उसके बाद आए 2.25 लाख पर, अब 1,60,000 पर, अब ये तो आपकी मनसा झलक रही साहब साहब। पहले आप क्या सोच कर कहे थे, 10 लाख के अभ्यर्थी हमारे बीच में इंतजार कर रहे हैं नौकरी के लिए, और 3.5 लाख कहा, चलिए उस पर भी कुछ लोगों ने संतोष किया कि चलो कम से कम 3.5 लाख तो मिलेगा, उसके बाद 2.25 लाख किया आपने, उसके बाद आपने पेपर में निकाला, आपके मंत्री जो भी हैं यहाँ कहे कि भाई 1,75,000, अब 1,60,000 की बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब साफ है कि आपको नौकरी वोकरी देना नहीं है, इसी में से 1,000-2,000 आप जो है पास करके, जैसे याद होगा आपको कि इसके पहले जो है नियोजित शिक्षक हमारे जो हैं लगातार 18 साल से 17 साल से शोषित हो रहे हैं, उनके लिए आपने कहा कि BPSC का एग्ज़ाम दीजिए, आपको नौकरी देंगे, मतलब हेड मास्टर बनाएंगे आपको, 421 आदमी उसमें आपने पास किया, अब आप फिर जो है 1,000-2,000 पास कीजिएगा, बोले कि हम क्या करें, आपको नौकरी देना नहीं है, शिक्षकों को आपको भरमा कर रखना है, लगातार आप शिक्षक को भरमा कर रखना चाहते हैं, आपको नौकरी वोकरी देना नहीं है। सरकार की तरफ से आवाज़ दबाई जा रही है अभ्यर्थियों की, पूरी तरह से इमरजेंसी, इंदिरा गांधी जैसे इमरजेंसी लगाई थी, पूरी तरह से समझ लीजिए कि आपको इमरजेंसी की हालत दिखाई पड़ रही है चारों तरफ शिक्षकों के बीच में, उसके मुँह को बंद करने का काम कर रहे हैं शिक्षक लोग तमाम जो यहाँ हमारे पूरे बिहार के हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, मांग को लेकर आपके सामने आते हैं तो आप उसको डंडा लाठी से पीटते हैं, माथा फोड़ने का काम करते हैं, आप उसको धमकी देते हैं, और उससे भी नहीं आपको हुआ तो आप एक चिट्ठी निकाल दिए कि आप उस पर कार्रवाई करेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 13 में साफ लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा संविधान मान्य नहीं, कोई भी ऐसा कानून मान्य नहीं है हिंदुस्तान में जो कि संविधान की मूल चीज़ों पर हमला करता है,
आप जान लीजिए आर्टिकल 19 में स्पष्ट है कि फंडामेंटल राइट्स को आप दबा नहीं सकते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी को आप दबा नहीं सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार, ये संविधान की हत्या करने वाली सरकार, आप जान लीजिए कि आज हमारा माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि इन चीज़ों को आप देखिए और सरकार और जो है संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, न कि उसको बर्बाद करने का काम कीजिए, उस पर हमला नहीं कीजिए आप, अब जान लीजिए। और सिखों के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी न्याय जो है और उसके लिए जो आंदोलन कर रहे हैं वो जायज़ है, और उस पर आप कहीं से भी आप कोई भी हमला करते हैं तो जीवन कुमार आपके सामने बीच में आएगा, आप जान लीजिए। सिलेबस को लेकर भी अभ्यर्थी सवाल खड़ा कर बिल्कुल रहे हैं। सिलेबस देखिए, सिलेबस के लेकर कुछ अभ्यर्थी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो नए अभ्यर्थी हैं और निश्चित रूप सवाल खड़ा करेंगे, तो हमारा उसमें कहना है कि उसको सरकार को देख कर समझ कर वैसे सवालों को, जो सवाल मतलब कि उनके हिसाब से UPSC का एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, और आपको UPSC का एग्ज़ाम लेना है तो 9300 का वेतनमान दीजिए, कौन मना करता है आपको, आप दीजिए 9300 का वेतनमान, सब सिलेबस लगाइए जो सिलेबस लगाना है आपको, कोई पीछे नहीं हटेगा आपको, तो वेतनमान देना नहीं है, आप बतियाना है लंबा चौड़ा बात है, नौटंकी राज का। अब महागठबंधन के जो नेता थे और चुनाव जीतने के पहले हमारे राजद के और जितना जदयू के थे, उस सब कहे कि हम नियोजितों को राजकर्मी का दर्जा देंगे चुनाव जीतेंगे, तो आज चुनाव जीत गए तब अब वादा खिलाफी कर रहे हैं, ऐसे ही चलता है कोई पलटू राम को। अरे पलटू राम कहने का आपने बैकग्राउंड बनाया है कि वादा करेंगे आप पलट जाएंगे, हम शिक्षकों को बोलेंगे नौकरी देंगे, नौकरी देने के बजाय आप पलट जाएंगे, तो पलटू राम की सरकार जो कहते हैं लोग गलत नहीं कहते हैं, और पहले राजद के ही लोग कह रहे थे आपको पलटू राम, अब तो दोनों मिलकर पलटने का काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर वादा खिलाफी कर रहे हैं, ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। अंतिम सवाल रहेगा सर आपसे, आप शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से MLC हैं, लगातार शिक्षकों के हित में बात करते हैं, कुछ दिन पहले आंदोलन भी कर रहे थे, और उन अभ्यर्थियों को क्या कहिएगा जो अभ्यर्थी उग्र हो रहे हैं आंदोलन कर रहे हैं? देखिए आप फिर मैं बता रहा हूँ कि लोकतंत्र में किसी को भी अपनी अभिव्यक्ति को उजागर करने का अधिकार है, लोकतंत्र में अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का अधिकार है, तो वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं कर रहे हैं, और हम उनके न्याय के लिए जो मांग कर रहे हैं उसके साथ हैं, उनके आंदोलन के साथ हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं, और जब भी जहाँ भी जरूरत पड़ी हम उनके समर्थन में रोड पर खड़ा दिखाई पड़ेंगे, सदन से लेकर सड़क तक हर जगह उनके साथ हम खड़ा दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वो न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो अनुचित मांग नहीं कर रहे हैं। सरकार से जीवन कुमार बात करेंगे नई नियमावली को लेकर? बिल्कुल, सरकार तक हमारा संदेश लगातार पहुँच रहा है और सरकार हमारी बात को सुन भी रही है, जान लीजिए बात को आप, ऐसा नहीं कि सरकार अंधी है, सरकार सब कुछ देख रही है लेकिन जानबूझकर अंधा होने का नाटक कर रही है। बिल्कुल, जो सरकार सब कुछ देख रही है, हमारे साथ जीवन कुमार थे, जीवन कुमार BJP से MLC हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से MLC हैं, तो वहीं जीवन कुमार का यह साफ कहना है कि सरकार सब कुछ देख रही है लेकिन अंधा होने का नाटक कर रही है, तो वहीं अभ्यर्थियों के हित में कोई कार्य नहीं हो रहा है। जब महागठबंधन की सरकार बिहार में नहीं बनी थी तब कहा यह गया था कि बहाली करेंगे, हम शिक्षकों को बहाल करेंगे, लेकिन देखा जाए तो पूरे तरीके से शिक्षकों के साथ नाइंसाफी सरकार कर रही है, तो वहीं बहाली अटकाने का काम कर रही है। BPSC से जिस तरीके से परीक्षा लिया जा रहा है इसको लेकर तमाम बातें करते जीवन कुमार क्या कुछ करते आपने सुना है, सड़क से लेकर सदन तक अभ्यर्थियों के साथ रहेंगे, तो वहीं हमेशा अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहते, तो वहीं सरकार के पास लगातार संदेश पहुंचा रहे हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं, पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक कपूर।